स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड रोग, क्या नाम है? टाइफाइड रोग। अब मुझे सबसे पहले तो बच्चे लोग ये बताओ कि टाइफाइड रोग जो है वो जीवाणु जनित है या वायरस जनित है या फिर कवक जनित है या फिर वो प्रोटोजोआ जनित है, कौन सा रोग है ये, किसके द्वारा होता है ये रोग? ये विषाणु से होता है या फिर ये बैक्टीरिया से होता है या फिर कहां से कैसे होता है ये रोग, बताओ। 2 मंथ के लिए तो ऐसे कोई पीडीएफ नहीं मिलती है, फीस तो वो क्यों ही लगेगी। हाँ जी, टाइफाइड जो रोग है इसी को ध्यान रखना, याद रखना, इसी को हम मोती जरा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मोती जरा रोग, मोती जरा रोग भी कहते हैं। अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि ये जो रोग है टाइफाइड रोग, वो जीवाणु से होने वाला रोग है या फिर वो विषाणु से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है ये, फटाफट से बताओ मुझे। बताओ, 1 मिनट रुको तुम लोग। बताओ 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 बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। ओहो, कुछ बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, गजब। अभी अभी पढ़ाया मैंने, अभी अभी बताया था मैंने कि ये कौन सा रोग है, साल्मोनेला टाइफी जो है वो कौन सा रोग है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्या गजब करते हो तुम लोग, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले, कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, फिर भी बच्चे गजब करते हैं। ऐसे क्या करते हो तुम लोग? चलिए बताओ कौन सा रोग है ये। हाँ भैया, इसका रोग कारक, देखो यहाँ नोट्स शॉर्टकट में मैं बना रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। रोग कारक आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कौन है? जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है ये, कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। तो रोग कारक क्या हो गया इसका? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या है? एक जीवाणु है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया है। इसका मतलब कि ये किसके द्वारा रोग होता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पहले ऐसा फैशन था कि क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, किसका इसका रोग कारक कौन सा है। तो नॉर्मली इसमें ऑप्शन में मिल जाता था टाइफाइड का कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, तो बच्चे देख कर ही पहचान लेते थे, टाइफी आ रहा है तो टाइफाइड हो जाएगा, है ना, ऐसे देखकर पहचान लेते थे। लेकिन आजकल का फैशन बदल गया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये पूछेगा कि वायरस के द्वारा या इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, अगर बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना तो। वरना ये भी मत भूलना कि मैडम ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं है, हम ये याद करेंगे ही नहीं कि भाई साल्मोनेला टाइफी से होता है। अरे वो तो याद करना ही है, वो तो याद करना ही है आपको, क्योंकि पेपर में आपसे अगर पूछ लिया कि टाइफाइड रोग का वर्णन कीजिए, टाइफाइड रोग क्या होता है, रोग कारक क्या होता है, संचरण की विधि क्या होती है, ये सब आपसे पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा ना इसको, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो रोग कारक कौन सा हो गया भैया? साल्मोनेला टाइफी। अब हम बात करते हैं इसके संचरण की, कि ये जो इतना गंदा सा वायरस है जो कि क्या कर रहा है, टाइफाइड रोग फैला रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ये किसके द्वारा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर मनुष्यों में ये फैलता है, मनुष्य के अंदर ये जाता है, कैसे जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जाता है दूषित जल, किससे? एक तो दूषित जल और दूषित भोजन से। किससे? दूषित भोजन व दूषित जल से। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, हम लोग जो बाहर जाते हैं अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, है ना, कभी लड़कियों का तो कुछ ज्यादा ही मन करता है,
कि बाहर गई और पानीपुरी वाले भैया के पास में गई और खिलाए, उनको बोल देंगे कि पानीपुरी खिलाओ भैया, है ना, और वो अपने गंदे गंदे हाथ उनमें डाल डाल के, है ना, चाहे हाथ धोए हुए हो चाहे ना हो, ग्लव्स वगैरह पहने हो ना हो, और उसमें से निकाल निकाल के आपको खिलाएंगे, ठीक है। और फिर जो है बड़े बच्चे जो होते हैं बड़े चाव से खाते हैं, है ना, और जो रोड के साइड में जो ठेले लगे होते हैं वहां से तो और भी अच्छे, मतलब तो ज्यादा टेस्टी लगता है शायद वो बच्चों को खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ना, तो उसको और भी इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, बहुत प्यार से उसको खाते हैं, चाहे घर पे कितना भी अच्छा खाना बना ले, लेकिन वो बात अलग ही होती है ना। तो ये जो गंदा गंदा जो खाना होता है, जो रोड के साइड में जो ठेले लगे होते हैं, पता नहीं कितनी गाड़ियां निकलती है वहां से, और धूल मिट्टी जो है उनके ऊपर जा जाकर गिरती है उन खाने के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा गंदा पानी हो गया, अगर ये सब खा रहे हैं पी रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो ध्यान रखना कि गंदे पानी और गंदे जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, क्या होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस वगैरह हो सकता है। और इसमें से खास करके अपन बात कर रहे हैं टाइफाइड की, तो साल्मोनेला टाइफाइड जो है उसका घर तो यही है। क्या है उसका घर? उसका घर है दूषित जल और दूषित भोजन, तो ये यहाँ पर रहता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम गंदा खाना खाएंगे, हम गंदा पानी पिएंगे, तो ये जो जीवाणु है ये जीवाणु हमारे शरीर में चला जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, टाइफाइड रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड रोग हो जाएगा। मुझे क्यों लगेगा, मुझे लगता ना तो मैं आपको बोलती नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो संचरण क्या हो गया, दूषित जल और भोजन हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें प्रभावित अंग कौन से हैं। एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पर, यानी कि कौन सा अंग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जिसके द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा, ये समझ लो ध्यान से, जिस मार्ग के द्वारा कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु एक ही होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, जिस मार्ग के द्वारा शरीर में जा रहा है और जहां पर ये जाकर रुकेगा उसी को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है ना, यानी उसी को क्या करेगा, खराब। अब बताओ हम पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो कहाँ जाएगा ये खाना, कहाँ जाएगा ये, हमारे मस्तिष्क में चला जाएगा क्या, है ना, ऊपर उठ के ये फेफड़ों में चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। खाना पानी जाएगा कहाँ जाएगा, सबसे पहले आंत्र के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका प्रभावित अंग होगा वो कौन सा हो जाएगा, एक तो होगा अपना छोटी आंत्र, छोटी आंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इसमें, छोटी आंत, और एक होता है अपना आमाशय। कौन सा होता है? आमाशय। ये ध्यान से सुन लेना बात कि इसका जो जो ये जो है, ये जो जीवाणु है ये किसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, प्रभावित किसको करता है, छोटी आंत्र और आमाशय को जो है ये प्रभावित करता है। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गुड इवनिंग रंजू, पिंकल, दिलखुश, गुड इवनिंग, हो गया। चलो जी, अभी हम देखेंगे इसके लक्षण। क्या देखेंगे कि भाई जब ये रोग हो जाता है, कल ही बताया था मैंने लक्षण का शब्द का मतलब क्या होता है, लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स, और इसका मतलब क्या होता है कि जब ये रोग होता है, कोई भी रोग, ये नहीं कोई भी रोग, जब कोई भी रोगवाहक जो रोग कारक जो है वो किसी के शरीर में चला जाता है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कुछ बदलाव आते हैं, है ना, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। तो अब जब ये रोग हो जाएगा, देखो जब ये रोग हो जाएगा और हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर को बोलेंगे, सबसे पहले वो देखते ही थोड़ी बता देगा कि उसको टाइफाइड है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछेगा कि बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, तो वो बोलेगा मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे खाना नहीं भा रहा है, मेरी कब्ज होती है ना, बुखार आ रही है, तेज बुखार आ रही है, तेज सर दर्द हो रहा है। तो ये सब लक्षण बताने के बाद में डॉक्टर सोचेगा कि अच्छा शायद हो सकता है कि इसको टाइफाइड हो, और वो क्या करेगा, एक पर्ची के ऊपर सबसे पहले क्या करेगा, जांच लिख देगा, ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो वो लिख देगा, और वो लिख देगा और वो ले जाएगा, कहेगा कि पर्ची ले जाओ और जाओ डॉक्टर के, जाओ जहां पर भी चेकअप, जहां ब्लड टेस्ट होता है वहां की रिपोर्ट लेके आओ, फिर ब्लड टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है अपने को इसके रोग के लक्षण। तो देखो इसके अंदर क्या होती है, तेज बुखार आती है सबसे पहली चीज, तो बहुत ज्यादा तेज क्या आती है इसमें, बुखार। और बुखार जो होती है वो कहाँ तक हो जाती है, अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर अपना कितना होता है शरीर का, कल भी बताया था 37 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हो जाती है 39 डिग्री सेल्सियस से
40 डिग्री सेल्सियस, इतनी तेज बुखार आती है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार आती है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपसे फॉरेन हाइट में पूछ ले तो फॉरेन हाइट में होता है इसका मामला 103 डिग्री फॉरेन हाइट से 104 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक है ना, 104 डिग्री फॉरेन हाइट। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पर इस 103 के आगे भी डिग्री सेल्सियस और 104 के आगे भी डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लग जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तो अगर हो जाए अपना शरीर का ना, तब तो खून उबलने लग जाएगा, मर जाएंगे, बिल्कुल जिंदा ही नहीं रह सकते। 40 डिग्री अगर अपन कह रहे हैं उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत तेज बुखार है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सेल्सियस मत लगा देना यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान रखना 103 डिग्री फॉरेन हाइट और यहाँ से कहाँ तक 104 डिग्री फॉरेन हाइट, ये फॉरेन हाइट है, ये सेल्सियस नहीं है, ध्यान रखे सभी बच्चे, ठीक है ना। फीवर, भूख नहीं लगना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। अब देखो प्रभावित किससे किया था, आंत्र को, तो आंत्र या जो आंत्र की भित्ति होती है ना, आंत्र की भित्ति, तो उस भित्ति के अंदर क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, क्या हो जाती है, सूजन, आंत्र की भित्ति में जो है वो सूजन हो जाती है। अब एक बात बताओ, आंत्र को प्रभावित कर रहा है, छोटी आंत्र में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है और अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अब जब वही खराब हो जाएगी, खराब का मतलब वही वही प्रभावित हो रही है, तो क्या बच्चे को भूख लगेगी क्या, या किसी को भी क्या भूख लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो भूख ना लगना और भूख ना लगना, अगर भूख नहीं लगेगी और ये जो खतरनाक जीवाणु जो है, जिसे अपन कह रहे हैं क्या टाइफी जीवाणु जो है ना, साल्मोनेला टाइफी, ये हमारी छोटी आंत्र में जाकर कब्जा कर लेता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा, तो इसकी वजह से, कब्जा करने की वजह से ये क्या हो जाता है, पेट के अंदर कब्ज बनने लग जाती है, क्या हो जाती है, कब्ज बनने लग जाती है, कब्ज हो जाती है, पेट के अंदर कब्ज हो जाती है, और कब्ज होगी यानी गैस बनेगा, फिर उसकी वजह से आपको क्या होना, आपको ना, आपका ना, मतलब आपको नहीं बट जिसको भी होगा, तो उनको क्या होने लग जाएगा, सिरदर्द होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, सिरदर्द, जिसके कब्ज बनेगी उसमें सिरदर्द तो होता ही है ना, गैस बनने की वजह से जो है मस्तिष्क में भारीपन आ जाता है, दर्द होने लग जाता है, सिरदर्द होता है भयंकर, ठीक है ना। अब देखो दूसरे सप्ताह में, सेकेंड वीक के अंदर, किसने, सेकेंड वीक के अंदर, वीक की स्पेलिंग क्या होती है, वीक, सेकेंड वीक के अंदर छाती और हाथ पैरों पर, किस पे, छाती व हाथ पैरों पे क्या बनने लग जाते हैं, गुलाबी रंग के चकते, किसके, कौन से रंग के, गुलाबी रंग के चकते, वाह मेरा गुलाबी रंग ही नहीं आया, वाह नहीं आ रहा, तो गुलाबी रंग के चकते, ठीक है ना, तो क्या बनने लग जाएंगे, गुलाबी रंग के चकते बनने लग जाएंगे, कहां पर, शरीर के ऊपर यानी छाती और हाथ पैरों के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, चकते कहो या फिर धब्बे कहो, बात एक ही है, ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मतलब रखना नहीं है कॉपी के अंदर, इनको उतारनी भी है अपनी, मतलब फोन में नहीं रखना है, कॉपी के अंदर भी उतारना इनको, ठीक है, कॉल आ रहा है अभी, चलो जी हो गया, बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट जांच किसे कहते हैं, या इसकी जो जांच होती है वो कौन सी होगी, जांच का मतलब यहाँ पर जब डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, उस ब्लड टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट को, यहाँ पर जो इसका जो जांच होती है इसको हम क्या कहते हैं, विडाल परीक्षण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्या बोलते हैं इसको, विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण क्या है, जो टाइफाइड के अंदर जांच लिख लिख कर देते हैं डॉक्टर, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विडाल परीक्षण कहेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बार बार कहते हैं ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साल्मोनेला टाइप नहीं, टाइफाइड रोग जो है उसकी जांच को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी जांच कौन सी होगी, कौन सी होगी, विडाल परीक्षण। एक मिनट रुको बच्चों, हेलो टाइम लग, ठीक,
हाँ मैं क्लास में हूँ ना। सॉरी बच्चों, मम्मी का कॉल था, करनी पड़ती बात तो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, विडाल परीक्षण। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्या पूछ लिया जाए आपसे कि इसका उपचार क्या है, आप बताओ इसका उपचार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो रहा है उस कारण को ही खत्म कर दो। क्या कर सकते हैं इसका उपचार? गंदे पानी या दूषित भोजन या दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूषित जल व दूषित भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। सफाई रखनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि सफाई रखो घर में, ठीक है। घर में मक्खियों की एंट्री बंद कर दो, मक्खियां जो होती है ना, उन मक्खियों की एंट्री बंद कर दो घर में, ठीक है ना। क्योंकि ये मक्खियों की वजह से सबसे ज्यादा ये इधर उधर घूम के आती है, गंदी होके आती है, फिर खाने पे बैठती है, खाने को गंदा करती है, फिर हम उसको खाने को खाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मक्खियों की एंट्री बंद कर दो घर के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा सफाई रखो, और क्या कर सकते हैं, दूषित भोजन व जल का उपयोग ना करना। दूषित भोजन व जल का उपयोग ना करना, ना करना, ठीक है। इसके अलावा जो है, टाइफाइड का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो टीका लगवाना चाहिए सभी को, ठीक है ना। टीकाकरण तो बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से शुरुआत हो जाती है टीकाकरण की। तो टीका लगवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए। ये क्या हो गए, इसका उपचार हो गए, ठीक है ना। समझ में आया क्या, बोलो। बिल्कुल, स्टडी लवर, बिल्कुल सही है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, जल को उबाल कर पीना है, बिल्कुल। ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। पानी को उबाल कर पिएंगे तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हो, वो नष्ट हो जाएगा, तो कोई रोग नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं हूँ भिलवाड़ा, राजस्थान, और उसमें भी आसिंद तहसील से, ठीक है। गुड इवनिंग दिलकुश, हेलो चेतन, बिल्कुल लक्ष्मी मिश्रा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये हो गया आपका चैप्टर, चैप्टर नहीं रे, टॉपिक, टॉपिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक चीज और बताती हूँ मैं तुम्हारे को, इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक औरत थी जिसका नाम है, ये आपकी शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एक औरत थी जिसका नाम है मेरी मेलोन। क्या नाम है? मेरी मेलोन, मेरी नहीं, उसका नाम था मेरी मेलोन, ये मेरी नहीं है, आपकी भी नहीं है, ठीक है ना। मेरी मेलोन एक औरत थी जिसका नाम है मेरी मेलोन, और ये जो थी ये पेशे से क्या थी, रसोइया थी। रसोइया, रसोइया क्या थी, ये पेशे से रसोइया थी, यानी कि ये क्या करती थी, खाना बनाती थी, और खाना बनाती थी, खुद ही नहीं खाती थी, ये दूसरों को भी खिलाती थी, ठीक है ना। मतलब इसके कुछ होगा, होटल वोटल होगी या फिर ढाबा वाबा होगा, तो खाना बनाती थी और खाना खिलाती थी। तो ये क्या थी, ये जो मेरी मेलोन जो थी, इस ये जो थी ये क्या थी, टाइफाइड की रोग वाहक थी। क्या थी ये? वाहक थी। टाइफाइड की क्या थी ये? रोग वाहक थी। टाइफाइड रोग की ये वाहक थी। इसका मतलब क्या है, वाहक होने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये टाइफाइड रोग को फैलाती थी। क्या करती थी? फैलाती थी। खुद पे तो इस पे कोई प्रभाव हुआ नहीं। अब खाना बनाती थी, गंदगी रखती थी, गंदगी रखती थी, तो ये गंदगी तो से तो आपको पता ही है कि भाई कि बैक्टीरिया इधर उधर फैलेगा, अभी अपन ने कारण यही तो पढ़ा, दूषित जल और दूषित भोजन से। तो बहुत ज्यादा गंदगी रखती थी। अब बहुत ज्यादा गंदगी रखती थी तो क्या होता था कि जिसमें वो खाने के बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते हैं, और वही जब लोग दूसरे जो दूसरे लोग इसके यहाँ पर खाना खाने के लिए जाते थे या जिसको भी ये खाना खिलाती थी, तो वो लोग जो है क्या हो जाते थे, टाइफाइड से ग्रसित हो जाते थे, और फिर होते थे भयंकर बीमार, बहुत बीमार हो जाते थे। अब बीमार हो जाते थे तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है धीरे धीरे मृत्यु होने लगी। अब मृत्यु होने लगी तो धीरे धीरे पता चला कि यही कारण है कि ये बहुत गंदगी रखती है, और बहुत गंदगी रखने की वजह से कई लोग जो है इसकी वजह से मर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आई पुलिस। क्या आई? पुलिस, और बेचारी को हथकड़ी पहनाकर ले गई अपने साथ में, ठीक है, और फिर जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो फिर उसके बाद में उसने बोला सॉरी वोरी, और फिर वापस ये अपने कहाँ आ गई, घर आ गई, और घर पे आकर फिर से काम धंधा शुरू कर दिया, वो कोई काम है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी दिन सीधा कर, क्या बोलते पता नहीं, एक सीधी उसमें डालते हैं ना, इस टाइप की पाइप में डाल के रखो, सीधे पाइप में,
है तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कितने सालों डाल के रखो तो भी वो की वही बात है। तो काम धाम उसने छोड़ा नहीं, और फिर वापस घर पे जाते ही फिर वापस काम धाम करने लग गया, और बेचारी को लोगों को मारना शुरू कर दिया, टाइफाइड फैला फैला के और मारना शुरू कर दिया। कितनी खराब औरत थी, ठीक है ना। तो इसका एक केस मिलता है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि ये टाइफाइड फैलाती थी, इसी वजह से इस मेरी मेलोन को टाइफाइड मेरी भी कहा जाता था, टाइफाइड मेरी भी कहा जाता था इसी औरत को। गौर से देखो इस औरत को, इसी को क्या कहा जाता था, टाइफाइड मेरी भी कहा जाता था, ठीक है ना। आपकी है ना मेरी है, लेकिन नाम इसका मेरी है, ठीक है। हेलो हेलो, कितना लेट लेट हेलो हेलो बोलते हो तुम लोग। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं कैप्टन, क्या बात है कैप्टन रंजन, क्या समझाऊं बोलो, आप बताओ क्या समझाना है। आपसे आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना कैप्टन, ये जो अडानिया ऐप आपका जो चैनल है, अडानिया चैनल जो है, इसे सभी बच्चे जो भी क्लासे देख रहे हैं वो सभी बच्चे इसको क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अडानिया चैनल जो आपका अभी जिसके ऊपर आप क्लास देख रहे हो, सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से आपके पास में हर रोज शाम को 5 बजे ये क्लास आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये क्लास आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर दो, नीचे लिखा होगा ना सब्सक्राइब। देखो मुझे स्पेलिंग नहीं आती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं लिखने की। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो रोज शाम को 5 बजे, कितनी बजे, 5 बजे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5 बजे, 5 PM। सभी बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, क्लास कितनी बजे आती है, क्लास कितनी बजे आती है, क्लास 5 बजे आती है। अब जब अगर मान लो कि किसी दिन आए और या ना आए, तो भी आपको बस सब्सक्राइब कर दो तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ना है तो उसके लिए अडानिया ऐप डाउनलोड कर दीजिए, और उस ऐप के ऊपर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपको कोर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, केवल और केवल मात्र 500 रुपए की फीस में। फीस कितनी है, 500 रुपए, बहुत कम फीस है पूरे साल के लिए, है ना। इस साल के लिए ऑफर है, पूरे साल के लिए है ये वैसे, ठीक है। मेरी मेलोन का फोटो देख कर अपने अपने को करना ही क्या है। हाँ बिल्कुल, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और लाइक तो किया करो कम से कम। जितने बच्चे हैं देखते हैं, लाइक नहीं करते फिर अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है कि मजा नहीं आ रहा है ना। यूपी यूपी क्या लिख रहे हो, हाँ जी रंजन स्टार, एक बार देखिए वापस से, रंजन कह रहे वापस से समझाओ, क्या समझाना है। मेरी मेलोन एक औरत थी, और उस औरत का नाम क्या है, मतलब औरत का नाम ही है मेरी मेलोन, ठीक है ना। क्या है नाम, मेरी मेलोन। और जो मेरी मेलोन थी ये क्या थी, ये टाइफाइड की रोगवाहक थी। क्या थी, टाइफाइड की रोगवाहक। रोगवाहक का मतलब ये फैलाती थी, बहुत गंदगी रखती थी, खाना बनाती थी उसमें टाइफाइड का वायरस, वो जीवाणु चला जाता था, और इसकी वजह से वो रोग फैल जाता था, ठीक है ना। अब ये पेशे से क्या थी, रसोईया थी। रसोईया थी इसीलिए खाना बनाती थी, और खाना बनाती थी गंदगी रखती थी, तो बैक्टीरिया उसमें चला जाता था खाने में, और लोग खाते थे तो बीमार पड़ जाते थे। फिर इस बात का पता चला कब, जब बहुत सारे लोगों की धीरे धीरे मृत्यु होने लगी, है ना। तो पुलिस को पता चला कि जो लोग इसके पास में खाना खाते हैं वही लोग क्यों मर रहे हैं, कोई तो कारण होगा, कहीं ये जहर तो मिला के नहीं दे रही है। फिर कहा नहीं, जहर तो नहीं मिला रही है। फिर पता चला कि ये जो है गंदगी रखती है, बहुत ज्यादा गंदगी रखती है, इसकी वजह से जो टाइफाइड का जीवाणु जो है वो खाने के अंदर चला जा रहा है, और इसी वजह से लोगों को, टाइफाइड होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। टाइफाइड की वजह से क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, इसको बेचारी को पुलिस पकड़ के ले गई, और पुलिस पकड़ के ले गई फिर थोड़े दिनों बाद में बेचारी को छोड़ भी दिया, ठीक है ना। तो फिर वापस घर पे आई, और फिर वही काम करने लग गई खाना बनाने का, और फिर वही लोगों की मृत्यु का कार्यक्रम जो है फिर से शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब ये भी पढ़ा देती है कि बचाओ अडानिया ऐप को, या अडानिया जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होती है? हाँ बिल्कुल, अमीरगढ़ जानती हूँ मैं, जानती हूँ। पहले हम लोग भिलवाड़ा, स्पेशली भिलवाड़ा में रहते थे ना, तो मैंने नाम सुना हुआ है, हालांकि मैं कभी गई नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ बिल्कुल। स्टूडेंट हैं आप नए, तो बिल्कुल वेलकम है आपका कैप्टन, और सब्सक्राइब कर दो इसको। हाँ गुड इवनिंग गोपाल। कल कल और भी बहुत सारे रोग, अच्छे अच्छे रोग पढ़ेंगे, रोग अच्छे नहीं होते पर पढ़ेंगे जरूर, डिटेल से पढ़ेंगे उनको। न्यूमोनिया रोग हो गया, मलेरिया रोग हो गया, ऐसे रोग पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अगर ध्यान से कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? पर अगर कंटिन्यू ना रहे तो फिर बीच में अगर कुछ छूट गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। सेम, कल का तो पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कल, कल मुझे कहीं जाना है तो बाकी मैं कोशिश करूंगी कल क्लास हो जाए, बट फिर भी अगर बाय चांस नहीं हुई तो परसों तो होनी है, ठीक है? ओके, बाय बाय।